Assalamu alaikum and good evening. दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है? आप इस टोपी को मिस कर रहे थे ना, ये लो, मिस कर रहे थे आप टोपी को। कैसे हो, खैरियत है, ठीक ठाक है? आवाज आ रही है, आ रही होगी, मेरी आवाज ही इतनी है जो वो दूर दूर तक जाती है। हाँ, वो कहते हैं ना, काश तेरे ऊपर एतबार होता है इमरान खान, तो आज आप हीरो होता। अगर आप फौज की गोद में बैठ के इक्तदार पे ना आया होता तो आज तुम हमारे हीरो होते। हाँ, याद करो फयाजुल हसन चौहान जी, गाज भर जबान फयाजुल हसन चौहान क्या कह रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं कि जनाब 2018 के इलेक्शन में नून लीग की जीती हुई सीटें इस मॉन्यूमेंटल को देख के जबरदस्ती का वजीर आजम बनाया गया, और उसने कहा जी हमारी हर सीट का फैसला वो उधर से आता था, कमर जवेद बाजवा की अदालत से। आज ये शख्स कहता है कि मैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ूंगा, मैं फौज के खिलाफ लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। काश तुम असली हीरो होते, और तुम पता नहीं, तुम तो वर्ल्ड कप भी नंबर दो तरीके से मेरे ख्याल जीत के आए हो। अब ये बात तो हम करें तो हमारा अपना वो होता है। बहरहाल, इमरान खान का आज ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि ये बंदा एतबार वाला है ही नहीं। आज ये मान रहा है 1.5 साल के बाद कि जनाब जो 9 मई है वो मेरे कहने पर हुआ है, और बाहर उसके वकील कह रहे नहीं जी नहीं, ये बात इमरान ने नहीं कही, उसने रिकॉर्ड करवा दिए। हमारे पास रिकॉर्ड वाला बयान आ गया है, और वो कह रहे नहीं जी नहीं, ऐन गल्लां ही बनी हुई है। जिस तरह वो मजाक करते हैं कि शादी ब्याह तो बाद बच्चे होंगे ना, या गल्लां बनी हुई होंगी ने, तो ये इमरान खान दी गल्लां बनी हुई है कि जनाब ये वो बाहर असद कैसर कह रहे जी हम नहीं मानते, वो उमर अयूब कह रहे हम नहीं मानते। उनका वकील जो आज सलमान अकरम राजा मिल के आया है, वैसे तो सर जी बड़े लोगों को बड़ी तप चढ़ी हुई है कि ये इमरान को रोजाना वकील दर्जनों की बुनियाद पे मिलते हैं लोग वकील। आज वो केपीके वाला गुंडा अमीन गुंडापुरी आया था, वो सारा आज सर जी सारा दिन मैं ऐसे करके बैठा रहा कि जो काबीना के अंदर आज इमरान खान की अता तारण के बकौल आज पीटीआई की पाबंदी की करारदाद लानी थी, वो आज काबीना का इजलास ही नहीं हुआ। उतों के 60 अरब इमारात 60 अरब रुपए की बरामदाद का केस के जी शहबाज शरीफ ने कहा जी कि 60 अरब की बरामदाद का जेड़ा ना रिकवरी रेवन्यू असी इकट्ठा करना है। उतों गलत आनी सी अज इमरान खान की पाबंदी थी, तो वह गलत नहीं आई। ठीक है, तो मरीम नवाज ने आज ठीक ठाक कच्चा चट्टा खोला इमरान का, और जुमे वाले दिन से ये जी एहतजाजी तहरीक जारी कर रहे हैं। केड़ी एहतजाजी तहरीक के आज इमरान खान के जलसे च नचने नु जी कर रहे, ये वाली एहतजाजी तहरीक इनकी, ये वाली एहतजाजी तहरीक होगी कि इमरान खान के जलसे च नचने नु जी कर दे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और आज वो पार्लियामेंट के सामने कहते हैं सर जी मैं कह रहा हूं अभी भी इनको ढील दे रहे हैं आप, ये ढील देने के काबिल नहीं है, इनको ढील देने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं है। ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। इन्होंने सारा जहान जान रहे हैं, आप फिर भी इनको सहूलतें दे रहे हैं, क्यों वो मुलाकातें कर रहे हैं? मरियम नवाज साहब आप बताएं, इमरान खान से पूरी पार्टी जेल के अंदर वो चला रहे, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो एक दफा पकड़ा गया उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, ये सारी पार्टी जेल से चला रहे, तो ये जनाब ठीक बातें नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है। और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये इनकी इब्तदा है, सारे माफिया मंगन के। और दानियाल साहब और मैं ये कह रहा हूं कि जब इमरान खान ने ये मान लिया है कि 9 मई का वाकया मैंने किया है, तब बस गल मुक गई, सानू भी दस कोई पासा,
ते ढोला असा किथे वेना। बस गल मुक गई सर जी, गल वधी नहीं पई, मुक्की पई है गल। तो बस उसको सजा दो इसी बयान पे, इतराफी बयान आ गया है, जुर्म उसका साबित हो गया है, इसके ऊपर आप उसको करें, उसको ऐसे कर दें, उसको कर दें उसको, ठीक है। और मुझे एक बंदे ने कहा जी कि आप हमेशा कहते हैं, दो तीन दिन से कह रहे हैं कि जी जिन्हों का ब्लड प्रेशर हाई है ना ओ मेरे कॉल को ला जाओ, ए वीडियो सुनो तो उन्हों का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, सही हो जाएगा, लो नहीं नॉर्मल हो जाएगा। एक बंदे ने कहा जी लो भी ठीक नहीं ना, वैसे मेरा लो रहता है, लेकिन जब मोन्यूमेंटल का नौ आंदा ना तो फिर मेरा हाई हो जाता है। ते ओ एक बंदा कहता सर जी ताड़ी वीडियो सुन के ना साढ़े तो नॉर्मल हो जाता है, ते पीटीआई वालों का लो हो जाता है उन्होंने हाई ते लो, हाई ते लो हो जाता है। अच्छा जी मैं ये बात ये करना चाह रहा था कि ये इंशाल्लाह ताला अब ये बचने वाले नहीं है, लेकिन इसमें देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदियां होनी चाहिए, और महीने में एक मुलाकात हो, और इसको मच्छ जेल भेजा जाए, इन इन इनको नहीं छोड़ना, बिल्कुल इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। कल जो मैंने आपको बताया है ना, सबसे पहले मैंने बताया था कि DGISPR ने कहा है कि एक जमात ने ऐसा किया है और एक इंतशारी पार्टी ये कर रही है, नाम क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं नाम लिया बताओ, नाम लेना चाहिए था कि नहीं, दस बजे तुसी दस लेना चाहिए था ना। अच्छा जी ये तो है मेरी आज इस वीडियो का पार्ट वन, एक पार्ट टू भी है आज मेरी इस वीडियो में, और पार्ट टू एक बड़ा बेहतरीन एक है, एक प्रोफेसर साहब है, इंजीनियर साहब है, प्रोफेसर साहब है, वो नॉन मुस्लिम थे, काफर थे, वो कैसे मुसलमान हुए, उनका मैंने 5 मिनट का इंटरव्यू किया, वो जरूर सुनना और सुन के बताना कि जनाब अली आपने कि वो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम जो था काफर था वो मुसलमान हो गया, वो कैसे मुसलमान हुआ, और अब वो प्रोफेसर है इधर मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी में, इंजीनियर प्रोफेसर है, ठीक है। तो ये आपने ये भी लाजमी देखना है, ये पार्ट वन भी देखना है, पार्ट टू भी देखो, और फिर कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। अल्लाह बेली, अस्सलामु अलैकुम। तो पहले मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, ये मेरा तर्ज स्टाइल है, और आप मेरे लंबे सलाम को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आज मैं साथ कह रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये वीडियो मैं बनाने लगा हूँ ना तो ये इस हवाले से बड़ी अहम है कि आज मैं एक बड़े ओहदे पे पहुँचे हुए एक इंसान को जो प्रोफेसर हैं और यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं, वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आया, और मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि वो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम कैसे बने। ये इस तरह नहीं है कि किसी मौलवी के या पीर के हाथ पे बैत हो गई है, ये वो खुद बताएंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने आखिर दम तक ये देखना है, कमेंट्स करने हैं, और आपने ये सारी चीज़ें मुझे बतानी हैं, वो बिल्कुल हकीकत आपके सामने होगी। तो मेरी मुराद है सर कद्दूस खान साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत है? तो ये जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया, मैंने आपका इंट्रो करवाया है, तो आप काइंडली बताएंगे कि आप क्यों मुसलमान हुए, पहला सवाल ये क्यों मुसलमान हुए और क्या थे ये भी थोड़ा सा बता दें, और मुसलमान हुए क्यों हैं, हमारे अमाल तो आपको पता ही है सबके, आप मुसलमान क्यों हुए? इसमें अवान साहब ये है ना कि अल्लाह ताला, मैं ये कहूँगा कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे देता है जब इंसान अपने आप पे, अपने इर्द गिर्द पे, आसमान ज़मीन इन चीज़ों पे गौर करने की कोशिश करता है कि यार आखिर मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, क्या वजह। तो इसी तरह से ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई तो थी ही, तो जब मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर PhD करने के लिए आया तो इन दिनों रिसर्च तो अपनी सब्जेक्ट की होती रही इंजीनियरिंग की, लेकिन साथ साथ ये भी शौक़ पैदा हुआ कि ज़रा इन चीज़ों को पिरो लें कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। पहले आप नॉन मुस्लिम थे?
जी आप ये कह लें कि मैं नॉन मुस्लिम था, बिल्कुल, अच्छा ठीक है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट बुक से ताल्लुक वाले रिलीजन में था। तो आपको इस्लाम का तो ये शौक कैसे आया कि मैं इस्लाम को स्टडी इस्लाम करूं? को स्टडी, बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। मैंने कहा कि ज़रा आसमानी किताबें अच्छा को सारी देखी जाए, यहूदियत ईसाइयत बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि मैंने बाइबल से स्टार्ट किया, अच्छा कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल को ठीक थोड़ा बहुत पढ़ने की पढ़ा, कोशिश की, उसके बाद थोड़ी बहुत मैं ये कहूँगा। उसमें ये है कि जो थोड़ा सा पढ़ने के साथ ही मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बाइबल काफ़ी सारी चेंज हुई हुई है। चेंज हुई है तो ठीक, वो क्योंकि आपको एटलीस्ट जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो यू हैव टू स्टिक टू अ कॉन्क्रीट रेफरेंस, रेफरेंस हाँ आपका सही होना जी चाहिए, जी ये नहीं कि आपने हर हर अच्छा रखी पहले हुआ। बाइबल पढ़ी, पहले फिर बाइबल पढ़ी तो बाइबल से थोड़ी पढ़ने के थोड़े बाद आप मुतमईन नहीं हुए ना समझो, तो बिल्कुल फिर उसमें आगे सब मुतमईन इसलिए नहीं हुआ कि उसमें ये था कि वो हैंड रिटन है, जो भी चीज़ इंसानों ने ठीक बनाई है हुई लिखी, ठीक तो वो है पढ़ने का फ़ायदा नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने कुरान की तरफ किया, कुरान से ताल्लुक़ तो वैसे भी था, पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने की वजह से कुरान से ताल्लुक़ तो था ही, और हमने पढ़ा हुआ भी है स्कूलों में, घरों में भी, हर जगह कुरान तो हम पढ़ते ही हैं। तो कुरान को ख़ास तौर पर जाकिर नाइक साहब की वो देखना शुरू कर दी, काफ़ी अच्छा वीडियोस आती थी और वीडियो बड़े वगैरह प्रूफ के देखी। साथ वो दिखाते थे, और ख़ासकर उसमें जो उन्होंने एक कहा कि जब कयामत वाले दिन या अल्लाह तू उठाएगा हमको तो तू पहचानेगा कैसे, ये उसका जो अच्छा एक मतन है, सवाल था मतन किसी, मतन है कुरान, नहीं कुरान के अंदर ही है, हाँ तो तू पहचानेगा कैसे, तो अल्लाह ताला जवाब में कह रहे हैं उसका मतलब मैं माखोज ही कह रहा हूँ, वो एग्जैक्टली नहीं है, कि मैं तुम्हारी उंगलियों की पोरों तक से वाकिफ़ हूँ, ये उंगलियों की हाँ टिप तक से। तो ठीक ये बात मुझे बड़ी असर की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कुरान आसमान की तरफ ज़मीन की, जो उसमें साइंस है, लोहा आसमान से गिरना, और इवन छोटी से छोटी बात, बच्चे का पैदा होना, तुम्हें बनाया कैसे, तुम थे क्या, तो वो पढ़ते पढ़ते इंसान इतना रागिब हो जाता है कि बंदा कहता है कि यार ये हमें सच बना, है, सच है बिल्कुल, ये ये सच है, सच है। क्योंकि आपने पूरे साइंस के ऊपर इसका तजर्बा सबसे किया? पहला तजर्बा साइंस पर हाँ था, और डॉक्टर असरार अहमद, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जैसे पूरी आज भी हम अपने अंगूठे से पूरी दुनिया में पहचाने जाते दुनिया में, हाँ। हैं। तो ये तो कुरान इस तरह की कई और बातें कह रहा है, डीएनए तक आपका कुरान में ठीक है, दिया हुआ है, इसकी एग्जांपल दी हुई है। तो फिर उससे वो हुआ, तो फिर कुरान की तरफ मैंने कहा यार चलो कुरान को ही पढ़ते हैं। और कुरान की जो एक और बड़ी बात महसूस हुई वो ये थी कि वो किसी बंदे की तरफ आपको ले जाने की, अगर हम कहते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इसको अमानतन हम तक पहुंचाया, ये इतनी बड़ी बात है कि वो चाहते तो उसमें क्या कुछ लिख देते कि हुजूर सल्लल्लाहु कि मेरे मैं पास आओ, अपने पास, मेरे मेरे पास आओ, पास आओ, मैं जैसे तुम्हारे, मैं दूसरे तुम्हें, मजाहब में थोड़ा सा ये है पर जातियात पे, वो असल में मजाहब में नहीं है, वो जैसे बाइबल में हाँ जब वो कह रहा कर है दिया, कि ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया गया, वो हाँ बनाया गया, अल्लाह ने उसमें नहीं किया चले, इससे वो, भी आप हाँ बड़े मुतासिर इससे हुए बहुत मुतासिर हुआ कि कि अमानत एज इट इज पहुंची, एज इट इज पहुंची, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं है कि यार मेरे पास आओ, उन्होंने कहा अमान चाहते हो तो अल्लाह से मांगो, एक ही अल्लाह से मांगो। तो ये उसकी बड़ी बात थी, और उसको फिर करते करते आप जब कुरान की तरफ एक कदम उठाते हैं तो अल्लाह आपके साथ। तो फिर आप कब मुसलमान हुए सर, कितना अर्सा पहले? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं इसके। जब मुसलमान आप बने तो आपको कोई नुकसान या कोई कुर्बानी भी देना पड़ी, कोई फैमिली वाइज या कोई कुर्बानी भी देना पड़ी कि नहीं? मैं तो ये कहूँगा कि कुर्बानियाँ और नुकसान, हम कुर्बानी तो नहीं कहेंगे, हमें तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी चाहिए दीन के लिए, सो बड़ी कुर्बानियाँ देनी चाहिए, लेकिन है फिर भी अल्लाह जब हाथ थामता है तो आप हर चीज़ से, बस फैमिली की थोड़ी जाहिर सी बात है परेशानियाँ हुई, परेशानियाँ थोड़ी बहुत होती हैं जो कि नेचुरल सी चीज़ है। तो अब आप मुकम्मल मुतमैन है जो आपने वो किया है उस पे? अब फैमिली भी साथ है, सब साथ हैं, और मैं तो मुतमैन इसलिए हूँ कि आपने जो मांगना है एक अल्लाह से मांगना है, अल्लाह आपकी शायरक से भी करीब तर है। चलें ठीक है, तो आप लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जरा, हमारे पास दूंगा, लिमिटेड टाइम होता है, मैं बड़ा लंबा इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ लेकिन हमारा लिमिटेड टाइम, आप लोगों को क्या मैसेज? मैसेज ये पढ़ूंगा कि एक जो किताब आपके पास है कुरान, उसको पढ़ें, मुसलमानों को भी और मुसलमानों को और गैर मुसलमान, क्योंकि आपने अगर देखें PhD कर ली, प्रोफेसर बन गए, सब कुछ किया, वो आप दुनिया की सारी आसाइशें आपके पास हों और आपने कुरान ना पढ़ा हो तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आपने सिर्फ कुरान समझ के पढ़ा हो समझ दुनिया के की कोई आसाइश आपके पास ना हो तब भी आप कामयाब। ठीक,
थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, आपने देखा कि हमने कद्दूस साहब, प्रोफेसर साहब का, इंजीनियर साहब का ये इंटरव्यू आपके सामने रखा है, तो आपको ये कैसा लगा है और आप इससे इंस्पायर हुए हैं नहीं हुए, आपने ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखना है और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे रबते में रहेंगे। आपने कमेंट्स इसके ऊपर ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।